नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला सहकारी बैंक कर्मचारी संघ नीमच द्वारा प्रधानमंत्री महोदय व मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम नायब तहसीलदार पिंकी साटे को ज्ञापन सौंपा गया। जिला सहकारी बैंक कर्मचारी ने बताया कि विंध्याचल भवन भोपाल में आयोजित की गई बैठक में केरल राज्य के पेंशन अधिनियम 2005 को मध्य प्रदेश के सरकारी बैंकों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू करने पर सहमति बनी एवं व्यावहारिक अध्ययन एवं प्रक्रिया के लिए केरल जाना प्रस्तावित किया गया था। उस दिनांक को प्रोसीडिंग की नकल में हस्ताक्षर के संलग्न की गई उक्त कर्मचारियों की मांग है कि हमारी जो पेंशन कम है उसे बढ़ाकर दी जाए। क्या कहा जिला सहकारी बैंक कर्मचारी पेंशन संघ ने, आइए सुनते हैं। जिला सहकारी केंद्रीय पेंशनर महासंघ द्वारा मतलब ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों को पूर्व में पेंशन एक हज़ार रुपये से 2000 रुपये के बीच में मिलती है, जिसमें गुजारा कर्मचारियों का गुजारा नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमने ज्ञापन दिया है जिसके अंतर्गत है ना 7,500 रुपये और प्लस महंगाई करके, और ये हमें मांग है। इसमें 169 मतलब पेंशनर कर्मचारी जिले के अंदर, नीमच जिले के अंदर है। केरल पेंशन अधिनियम 2005 मध्य प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मचारियों को लागू करने के लिए हमने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसमें करीब 5,000 रुपया मतलब पेंशन और महंगाई और मेडिकल देने की मांग है। हमारे मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कमेटी द्वारा वहाँ जाकर केरल जाकर उसका अध्ययन किया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट यहाँ आ चुकी है। तो अब उस रिपोर्ट को लागू करके हमें तुरंत केरल पेंशन योजना मध्य प्रदेश शासन। नीमच से दीपक खदाबे की रिपोर्ट।